यहाँ से जीता गया, जीता गया। सो व्हाट इज अप पब्लिक, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सही हो, सब सही चल रहे हैं। सो जैसे कि आप जानते हो, अभी अपने यहाँ पे चल रहा है दुर्गा पूजा, एंड मैं बिलोंग करता हूँ वेस्ट बंगाल से। एंड वेस्ट बंगाल में जितना धूमधाम से मनाया जाता दुर्गा पूजा, जितना मस्त मनाया जाता है, वो कहीं और नहीं मनाया जाता है, बल्कि हर एक जगह मनाते हैं, बट यहाँ जितना धूमधाम से नहीं मनाते। तो ड्यू टू कोविड यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लिया गया। अब पता नहीं कि पहले जैसा धूमधाम से हुआ करता था, अब फिर से वैसा होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो उसके लिए हमें तो चलना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा कैसा है। तो आज का जो व्लॉग है उसी पे पूरा बेस है। एंड मेरा व्लॉग बिना फूड के तो कम्प्लीट नहीं होगा, इसमें कुछ फूड रिव्यू भी करूँगा, आपको बताऊँगा अभी कैसा है, एंड हर एक पेंडाल को मैं कवर करूँगा, उससे आपको पता चलेगा हाँ कि कैसा है प्रिकॉशंस लिया और प्रीवियस ईयर से अब इस ईयर में कितना फ़र्क पड़ा है पेंडाल्स में। एंड जाने से पहले मैं हूँ आपका दोस्त अभिषेक, आपका मेरे चैनल जनो वगैरह में बहुत स्वागत है। एंड आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अपना चैनल 600 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, 600 सब्सक्राइबर्स होने का बहुत ही ज़्यादा करीब है। एंड आप सपोर्ट करिए, आई होप कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगे, क्योंकि ये कुछ अटके हैं। एंड आई नो मेरे जितने भी यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हैं जनो फैमिली से, उसमें बहुत लोग अभी तक पेंडाल्स विजिट नहीं किए, तो मेरा बस एक छोटा सा एक हेल्प है उनके लिए कि देखिए वो पेंडाल घर में बैठ के सेफ्टी से रहे एंड बाहर नहीं जाए एंड सेफ रहे, और क्या, बस इतने ही। एंड मिलते हैं आगे, तो अब चलते हैं। अपन पहुंच गए अपना पहला पेंडाल कवर करने का, और ये प्लेस का नाम है प्रेम बाज़ार, और यहाँ था आईडी के पास में प्रेम बाज़ार। तो पहला पेंडाल कवर कर रहे हैं यहाँ, और ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है, यहाँ का पेंडाल हर वक्त हर साल बहुत अच्छा होता है। अब देखते चल के कि इस साल भी वही ज़बरदस्त है या फिर ठंडा पड़ी है, तो चलो अब चलते हैं। सो गाइस चलो अब अंदर चलते पेंडाल के अंदर, देखते कैसा है, चलो मेरे साथ। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं सैनिटेशन का लगा पर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। हम लोग आए तो काम नहीं कर रहा, तो कोई फायदा नहीं है, सैनिटेशन नहीं हो रहा यहाँ पे। बाकी तो अंदर जाने नहीं दे रहा, आप स्लो मोशन थोड़ा इंजॉय करिए। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं लोग अंधेरे में जा रहे हैं, आपके आसपास लाइट वाइट का अंधेरा, सिर्फ हम लोग का क्या बोलना चाहिए, गाड़ी का ही लाइट सामने चल रहा है, सामने एक तो गाड़ी है, बट ये प्लेस बहुत। देखो अभी भी यहाँ से चीता गया 400 का स्पीड में चीता गया, और हम लोग का साइड में एक तो हिरन दौड़ रहा है, फाटक भी गिरा, क्या करे, हिरन दौड़ रहे, बोल रहा उसको रोटी चाहिए, हम लोग दे नहीं सकते, अब क्या करे, चीता भी जा रहा है। चलो देखते आगे क्या होता है। अरे अरे एनाकोंडा भी, एनाकोंडा गूगल मैप काम भी चल रहा है। चलो चल से निकल गए, बगल में चीता बीता था, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे ट्रैक के पास खड़े हैं, गाड़ी आने वाला है, कब आएगा पता नहीं, हम लोग एक घंटे से खड़े हैं, अब देखते कितना टाइम लगता है। तो गाइस फाइनली गाड़ी आते हुए, 3 घंटों के बाद गाड़ी आते हुए, एंजॉय करें, स्लो मो वगैरह देखिए, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पंडाल के पास।
मास्क खोल लेता हूँ उतना भी, आसपास मेरा कोई आदमी नहीं है। तो बात यह है कि अभी एक और पेंडल विजिट करने आया, और ये बीएनआर का पेंडल, बीएनआर ग्राउंड है। बीएनआर का फुल फॉर्म आई थिंक बंगाल नागपुर रेलवे, आई थिंक, मुझे उतना पता है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे, दिखा देना तो मेरी तरफ ला दे। सो ये बीएनआर का पेंडल है। सो आप इसका स्लोमो वगैरह इंजॉय करो, मैं ट्राई करूँगा और भी पेंडल कवर करने, क्योंकि ऐसे बहुत लेट हो चुका है और घर से बहुत कॉल आ गया, क्योंकि आपने क्लिप में देखा था हम लोग एक जगह रुके थे ट्रैक के पास में, मतलब ट्रेन आने में बहुत टाइम लग गया, 3 घंटा में ट्रेन आने में लगा, तो वहीं पर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो चलो और देखते हैं कितना तक होता है, आप स्लोमो इंजॉय करो। मैं भी घर आ चुका हूँ और बहुत ही ज़्यादा थक गया, बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ। सो मैं बस इतना कहूँगा, अगर आप अभी तक देख रहे हो वीडियो को तो आई थिंक आपको बहुत पसंद आया, आई होप कि आपको अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, इस बार का जो पूजा है ना, सच बोलूँ तो प्रीवियस ईयर से इस साल का पूजा थोड़ा ठंडा था, फीका था, प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा अन्य समझ सकता हूँ बिकॉज ऑफ COVID-19 ये ऐसा हो रहा है। चलो हम लोग प्रे करेंगे, सब मिलकर प्रे करते कि जल्दी से हट जाए, ताकि सब वापस से पहले जैसा पूरा नॉर्मल हो जाए। अभी भी हो रहा है नॉर्मल, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो जाए। तो गाइस आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो दबा के शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब तो सबसे ज़रूरी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।